मुंबई भी खबर मिली है कि मुंबई में करीबन 7 मानक बम ब्लास्ट हुए हैं। ये ब्लास्ट मुंबई के बड़ी बम ब्लास्ट हमारे संवाददाता के अनुसार मारुंगा बांद्रा मटुंगा माहिम जोगेश्वरी बुरेवली एंड नीरा 40 पीपल हैव बीन रिपोर्टेड डेड इन 7 ऑफ द एरियाज बुरेवली एंड नीरा 40 पीपल हैव बीन रिपोर्टेड डेड विद 7 अदर्स इंजर्ड दिस इज अनडाउटेडली वन ऑफ द डार्केस्ट आवर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द सिटी। तू इधर है, बैठ बैठ बैठ। सारे चैनल पे दिखा रहे हैं। अब साले मीडिया वाले पहुंचे हैं, बोल रहे 40 मर गए। बकवास है, मैंने 200 सुना। हाँ, जैसे तू वहां था ना। मैं घर को एक आदमी बोल रहा था। अच्छा, टिकटिंग देना। वही तो, दम नहीं लगा मैं सच बात बोलने की। क्या भगदड़ मची होगी। रशार था ना, देखना चाहिए। ये देख, अब ये नौटंकी वाले आ गए, अब भाईचारे की बात करेंगे। साले ये पहले नहीं सोचा था इन लोगों ने, ये अब इलेक्शन सर पे है इसीलिए। दुनिया का यही प्रॉब्लम है, साले इतिहास में अटके पड़े हैं लेकिन सीखता कोई नहीं है, बस दोहराते रहते हैं। तो तुझे ये सब देखकर अच्छा लग रहा है? मुझे तो इन दोगलों का पसीना छूटता दिख रहा है। और जो मरे हैं उनका क्या? हाँ, तेरे को दर्द नहीं होता? जो मर गए वो मर गए, उनकी वजह से थोड़ी ना हुआ है। साला तेरा दिल है या पत्थर? अपनी भावनाओं को पकड़ के अंदर डाल, जो हुआ वो भूल जा। और जब तूने बाहर निकला था तब, जब तेरे वो मेरा बाप था, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरे अपने घर वाले थे। अगले वाले के लिए तैयार है ना? जैसा तय किया था। हाँ, बस ये गर्मा गर्मी थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद हफ्ते भर की गर्मा गर्मी, हफ्ते भर की। पहले बोलेंगे किसने किया, बहसबाजी होगी, किसकी गलती, उसकी गलती, क्यों की। सीबीआई बोलेगी हमने खबर की थी, पुलिस बोलेगी कहाँ की थी। प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से आएंगे, दुनिया आएगी, अखबार वाले अखबार बेचेंगे, चैनल वाले पैसा कमाएंगे, सब सुस्त हो जाएगा। हम फिर से उनको याद दिलाएंगे उनकी यही गलतियां। हाँ, अगले वाले तक के लिए सारा राशन जमा कर रखा है मैंने, बल्कि उसके एक महीने बाद के लिए भी। क्या पता इन साले मामूल लोगों के बापों ने इनके पैर में गुड ईयर के टायर लगा दिए और 2 महीने तक ना रुके तो। साले साले इतने बड़े उल्लू के पट्टे हैं कि सोचते हैं कि दिवाली के बाद भी हम पटाखे खरीदने जाएंगे। जैसे कि हर रोज बारात निकलने वाली है किसी ना किसी की। लेकिन बॉस, हम तो कुछ भी नहीं है, दम तो इन अलकायदा वालों में है। लोगों से भरा जहाज भरी बिल्डिंग में घुसा दिया, इसे कहते हैं देशभक्ति। हम लोगों को भी कुछ बड़ा बोलना चाहिए। बड़ी मशहूर बॉलीवुड के कलाकार हैं। अबे सुन, जानवरों के घर वाले गाली दे रहे हैं क्योंकि 2 कुत्ते मर गए। 2 मशहूर कुत्ते बोले यार। मशहूर कुत्ते? ये चौथे घर वाले हैं। अच्छा, जो जागे हैं। पहले ब्राह्मण,
मतलब यूएन, फिर क्षत्रिय, यूएन से ही होंगे, फिर वैश्य, ह्यूमन राइट्स वाले, अब शूद्र, बेचारे एनिमल राइट्स वाले। हमारी औकात पता चली सबको, छोटी सही पर आवाज करे तो कान फाड़ डालती है। नहीं, लाइफ सिंपल है, पहले सरेंडर करेंगे, हथियार डालेंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे और अपने जैसे और पैदा करेंगे। हाँ यार, रिटायर्ड है इसकी भी जिंदगी मस्त होती है। काम सही किया तुमने। नहीं मेरी जान, वो सब चाहिए जो पास करके पहले मंत्री जी, मंत्री आपको क्या लगता है लिसेंस के पीछे किसका शेर? आपको लगता है आपको तो वहां से लश्कर ए तैयबा या अलकायदा मुंबई अंडरवर्ल्ड, आपको क्या लगता है सर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे किसी विदेशी ताकत का ही हाथ है।